कुछ ऐसे पहलू हैं जो मंजरे आम पे नहीं आई हैं, वो क्या वजूहात हैं उसकी वो तो एक अलग बहस है, और वो उसके लिए अभी कोई किसी मौजू वक्त पे वो बात की जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान के बनने के बाद 1947 के बाद जो तारीख है उसमें एक बहुत अहम एक पहलू जो है उसका वो है कि पाकिस्तान को वियतनाम वॉर में पाकिस्तान शामिल क्यों नहीं हुआ, हालांकि उस वक्त जब ये वियतनाम वॉर अमेरिका ने मुदाखलत की उस वक्त फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और मुख्तलिफ ममालिकों को वो उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की उन्होंने, और बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तो अपनी अफवाज भेजे भी सही थे, और लेकिन वो बाद में वहाँ से अपनी जान छुड़ा के निकल आए। और ये मैं जिक्र कर रहा हूँ 1959 से 62 के दरमियान की बात, जब अभी नया नया अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी टीम्स भेजी थी वहाँ जनरल वेस्टमोलैंड के उसके कमांड के अंदर। अब उस वक्त जो था पाकिस्तान अयूब खान साहब के बादशाही में थे, अयूब खान हमारे सदर थे, मार्शल लॉ का दौर ख़त्म हो चुका था लेकिन उनकी डिक्टेटरशिप थी। लेकिन उससे पहले 1957 में, मैं इस वजह से बताना ज़रूरी है कि इसमें किरदार मेरे वालिद मरहूम पीर अली मोहम्मद राशदी का बहुत एक मरकज़ी किरदार रहा, वो 1956 से यानी बल्कि 55 से 57 तक वो मरकजी वजीर रहे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन की, चौधरी मोहम्मद अली के कैबिनेट में। उसके बाद फिरोज खान नून साहब की जो एक कैबिनेट आई थी, काबीना हुकूमत बनी थी उनकी प्राइम मिनिस्ट्री के उसके अंदर, उसमें वो थे। लेकिन उन्होंने 57 में डिसाइड किया कि वो रिज़ाइन करेंगे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया मेरे वालिद ने उस वक्त हुकूमत से, क्योंकि उस वक्त ये खदशा उनको ये ज़रूर ये उनको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आएगा, और उसमें वो उनकी वो नहीं चाहते थे कि वो उसमें वो कहीं वहाँ रहे उसमें। लेकिन फिरोज़ खान नून ने उनको कहा कि भाई आप किसी तरह से जो है वो खिदमत अपने जो है वो आप स्टेट के हवाले करें, तो उन्होंने कहा मुझे एम्बेसडर बना दो। तो उन्होंने उनको फिलीपींस का एम्बेसडर बना के और 56 में के आखिर में या 57 के शुरू में, मुझे याद नहीं ये मेरे पैदाइश से पहले कुछ वक्त की, क्योंकि मेरी अपनी पैदाइश भी फिलीपींस में ही हुआ जब वो सफ़ीर बने, तो वहाँ तो उस वक्त उनको फिलीपींस में 57 से भेजा गया। वहाँ चूँकि वो कंकरेंट एम्बेसडर थे साउथ ईस्ट एशिया पूरे के, उसमें वियतनाम भी आता था, तो उस वजह से ये सारे उमूर उनके ज़िम्मेदारी में थी। और उस वक्त जब वो वहाँ पहुँचे वहाँ, तो वो डीन डॉयन जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक कोर के, वो बने वहाँ, मतलब डिप्लोमेटिक कोर जो सारे सफ़ीर थे फिलीपींस में, उन सब का ये सबसे सीनियर रुकन थे। तो खैर उस वक्त वियतनाम का मामला जो है वो 1960 से वो 61 से शुरू हुआ था सरगर्म होने, लेकिन उस दरमियान मेरे वालिद साहब की जो है वो फिलीपींस की गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी रैपो थी। उस वक्त प्रेसिडेंट गार्सिया थे, और वो इतने ज़्यादा जो है वो मेरे वालिद के मशवरों पे उनकी बहुत ज़्यादा असर था मेरे वालिद का उनके ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फाइड करते थे मेरे वालिद से। उस वक्त जो है फिलीपींस मरकज़ बना था अमेरिकन जो है इंटरवेंशन का, वो इस वजह से कि वियतनाम नज़दीक था और अमेरिका का सबसे बड़ा बेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिलीपींस में था, एक जापान में था एक फिलीपींस में था। तो ये फिलीपींस को वो चाहते थे कि वो उनके जितने भी एलाइज थे वो सब जो हैं वो अपने कंट्रीब्यूशन करें उनके साथ वियतनाम में। उस वक्त जो है वो आपको ये भी पता होगा कि कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत यूनियन के साथ, और ये उसी वजह से वो वियतनाम में घुसे थे कि वो सोवियत यूनियन का असरात जो है वियतनाम पे ना पड़े, क्योंकि हो ची मिन कम्युनिस्ट था वो, नॉर्थ वियतनाम
का जो है वो बहुत बड़ा असर था साउथ वियतनाम के ऊपर, और वो साउथ वियतनाम को बचाना चाह रहे थे कम्युनिज्म से अमेरिकन। सो उनका ये था कि फिलीपींस को मरकज़ बना के वो चाह रहे थे कि वो किसी तरह से जो है वो इन ममालिकों को जो उनके हामी थे उनके साथ थे वो जाके वो भी अपने अफवाज वहाँ भेजें और एक मुश्तरक एक बहुत बड़ा कॉमनवेल्थ एक टीम जो है वो यूएन के हवाले से या एक कॉमन फ्रंट बना के वो उसमें घुस जाएं। मेरे वालिद इस पॉलिसी के सख्त खिलाफ थे कि पाकिस्तान उसमें घुसे, क्योंकि ये दूसरों की जंगों में हमारे एक इंडिपेंडेंट कंट्री का घुसना जो है वो उनकी अपनी तबाही का वो एक वो सामा बना देता है, और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को यानी इकोनॉमिक बहुत बड़ा इसमें और हमारे अपना इलाज भी बात है अफवाज पाकिस्तान को भी बड़ा इसमें नुकसान पहुंचता कि अगर वहाँ कैजुअल्टीज होती और वो जाके वहाँ लड़ते। हमारा कोई वियतनाम के साथ दुश्मनी नहीं थी, हमारा कोई जंग नहीं था, तो इस वजह से जब अमेरिका ने वहाँ उस रीजन में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए उन्होंने दो इदारे बनाए बहुत बड़े, एक सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और एक सियाटो जिसको बगदाद पैक्ट कहलाते हैं, वो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो बनाए थे जैसे उन्होंने नेटो यूरोप में बनाया कि ताकि ये यहाँ के जो कंट्रीज हैं ये मिलके और कम्युनिज्म को रोके। तो खैर उन्होंने ये इदारे तो बना लिए थे और उसमें मेंबरान ये सारे हमारे मुल्क भी हमारा भी मुल्क उसमें मेंबर था, लेकिन इसमें जब ये वक्त आया कि वो उन्होंने प्रेशर डाला कि नहीं अब ये उसमें हमें जाना चाहिए, तो उसमें फिलीपींस और पाकिस्तान ने फैसला आपस में मेरे वालिद और प्रेसिडेंट गार्सिया ने किया कि भाई हमारा ये जंग नहीं है और हम इसमें घुसेंगे तो ये हमारा क्या नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके वजह से उन्होंने तय किया कि जब ये सेशन होगा सिएटो का जिसमें ये होगा तो हम रिजेक्ट करेंगे इस चीज को। उस कॉन्फ्रेंस के लिए अयूब खान साहब फिलीपींस उन्होंने दौरा किया। अब वो फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं जिसमें जब अयूब खान साहब जहाज से उतरते हैं तो प्रेसिडेंट गार्सिया और मेरे वालिद साहब दोनों ने जाके उसी वक्त अयूब खान साहब को मशवरा दिया कि जनाब मन आप बेशक अमेरिका के एलाय हैं लेकिन ये जंग हमारा वियतनाम के साथ नहीं है, हमारा ये एशियन बरादरी मुल्क है, हम इसके साथ क्यों जंग लड़ें, उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है, और इसलिए हम इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं और हाँ आप मेहरबानी करके इसमें जो है ज़रूर जो है इस चीज़ को आप समझें और इसको पाकिस्तान को इसमें न जाने दें। क्योंकि अयूब खान साहब के काबीना में अमेरिका के बहुत बड़े हामी भी थे जो अमेरिका के पॉलिसी के तहत बिल्कुल ही पूरी 100% जाना चाह रहे थे, लेकिन अयूब खान साहब ने इस बात को समझा, इसकी नज़ाकत को समझा, उन्होंने मशवरा समझा और आखिर में पाकिस्तान ने और फिलीपींस ने दोनों मुश्तरक तौर पर उन्होंने रिजेक्ट किया कि हम वियतनाम वॉर में नहीं घुसेंगे, और उस तरह से पाकिस्तान उस वक्त वॉर ऑन टेरर के एक लिहाज से वो बच गया, जो बाद में अब ये 9/11 के बाद वो घुसा है और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। उस वक्त खुदा ने हमें बचाया कि हम किसी और बड़े आजाब में बच जाते, क्या पता था कि सोवियत यूनियन हमारे ऊपर कुछ कर लेता, उस वक्त का जो था उस वक्त वॉर ऑन टेरर हो सकता था और हम तैयार होते ना होते हमें पता नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन ये बात ज़रूर एक है कि पाकिस्तान उस वक्त खतरे में था कि वो जा सकता था उस एक एक पराई जंग में, उससे अल्लाह ने बचाया हमें। ये एक तारीखी है चीज़ है जो मेरे ख्याल अभी तक जो है वो हमारे रिकॉर्ड में गवर्नमेंट का है, लेकिन वो शायद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं निकला है, लेकिन निकलेगा ज़रूर इंशाल्लाह।